हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? होप कल की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्लास के बुक से, और सेम पैटर्न बुक है ये, और SST फिफ्थ क्लास का बुक जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11, जो अभी एग्ज़ाम में भी आप लोग के आ ही रहा होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं। आप बेसिक चीज़ आपको बता दें, शुरुआत में ऐसे आप लोगों को नॉर्मल चीज़ आप बताते हैं कि हम लोग को चार मेन बेसिक पॉल्यूशंस कौन से होते हैं, फोर होते हैं, है ना। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आपको पॉल्यूशन हो चाहे कुछ हो, आपको जो और डीप नॉलेज मिलेगी जिसके लिए काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो इसमें लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बिना डिस्टर्ब हुए फुल फोकस के साथ आप अच्छे से सुनेंगे। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है पर्टिकुलर चीज़, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे ताकि आप पूछ सके कि क्या चीज़ आपके डाउट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड नेचुरल एनवायरनमेंट, द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग इन विच द ऑर्गेनिजम्स लिव। नेचर हैज ब्लेस्ड अस विद एन एनवायरनमेंट विच इज अ टर्म एज अ नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली ऑन द अर्थ, क्लाइमेट, वेदर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड देन इफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। अब बट नेचुरल एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, जैसे फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, प्लांट, सनलाइट। ठीक है, जो नेचर से हमको मिला है, ठीक है, जो नेचर से मिला है, इट्स नॉट मेड बाय द मैन। ठीक है, जो नेचर से हमें मिला है उसको हम बोलेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक, जिसमें हमारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के दोनों शामिल है, प्लस हम आसपास का हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर है, नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमको मिल रहे हैं एज अ ब्लेस्ड बाय द गॉड। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या है, एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आगे बढ़ेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट के बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को जो भी ख़राब कर रहे हैं वो सब हमारा पॉल्यूशन है। अब उसके बारे में, सर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेमिनेंट्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज द हार्म और द डिसकम्फर्ट टू द ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो चीज़ें, कंटेमिनेंट्स मीन्स द काइंड्स, वो फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस, उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट फ्रॉम अ फैक्ट्री कॉज द पॉल्यूशन टू अ वाटर बॉडीज। जितना भी फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा है वो वाटर बॉडीज में डाला जाता है जो वाटर पॉल्यूशन कर रहा है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज अ बिकमिंग फॉर मोर एंड मोर सीरियस, इज कॉजिंग अ ग्रेव एंड इरिपरेबल डैमेज टू द प्लानट। जितना भी पॉल्यूशन हमारे प्लानट पर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है, एक्सेसिव डैमेज कर रहा है, जो कि सही कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इट मीन्स टू से इरिपरेबल, इरिपरेबल मीन्स जिसको सही ना किया जा सके। ठीक है, इरिपरेबल डैमेज टू द प्लैनेट, हमारे जो प्लैनेट अर्थ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। क्या डैमेज कर रहा है? पॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। आप इस बात को ध्यान कि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, और इस चैप्टर को हम लोग टू पार्ट्स में तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज जितना हो पाएगा करेंगे, नेक्स्ट फिर कल, क्योंकि आप लोग इतना लंबा करोगे ना तो आप काफ़ी बोर हो जाओगे। सो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सो पॉल्यूशन के कितने टाइप हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ अ सिक्स फेसेस, जैसे एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, लैंड एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन, जिसमें एयर पॉल्यूशन, नॉइस, वाटर एंड लैंड, जिसके बारे में अभी तक आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो। इसमें न्यू दो पॉल्यूशन क्या इंक्लूड हुए हैं, लाइट एंड अ न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग एयर पॉल्यूशन को कवर करते हैं, एक एक करके हम सारे पॉल्यूशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन द गैसेस, डस्ट पार्टिकल, फ्यूम्स और द स्मोक्स एंड द केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर
इन अ वे दैट मेक्स इट हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनिमल एंड द प्लांट्स. ठीक है, अब ये सब किससे हो रहा है? फ्ल्यूम, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, स्मोक्स, ये सब कहाँ से निकल रहा है? केमिकल्स, फैक्ट्रीज से, जो मोटरसाइकिल या मोटर जो भी मतलब व्हीकल्स घूम रहे हैं सड़क पे वो सब. ठीक है, फैक्ट्रीज के जो स्मोक्स है, घरों में तक चूल्हे काफ़ी जगह जलाए जाते हैं, आप लोग पता है, लोग तरह तरह के स्मोक्स पैदा करते हैं, तो ये सब क्या है? एंड द नाउ कॉजेस, कॉज एयर पॉल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम द बोथ ह्यूमन एंड द नेचुरल एक्शंस. नेचुरल इवेंट्स दैट पॉल्यूट द एयर इंक्लूड द फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, पॉलन डिस्पोजल एट्सेट्रा. ह्यूमन एक्टिविटीज डेट रिजल्ट इन द एयर पॉल्यूशन. ठीक है, बहुत से आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट, बहुत बड़े जंगल होते हैं, उसमें आग लग जाती है. अक्सर ऐसा होता है ना कि ताड़ का पेड़ का जंगल, उसमें क्या होता है, जो ताड़ के जो पत्ते होते हैं पेड़ के, ठीक है, वो आपस में उनका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, उसमें फायर का प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं. इस तरह का एक इंसिडेंट बता सकते हो, ऐसा हुआ है. ठीक है, तो एक एग्जांपल है ये. इसी तरह से जो भी फॉरेस्ट फायर्स हो गए, फिर जब वॉल्केनिक होता है, इरप्शंस होते हैं, ठीक है, तो पॉलन डिस्पोजल, ये सब चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल अपने आप होता है. ठीक है, तो एक ही बहुत बड़ा कॉज है एयर पॉल्यूशन का, प्लस जो ह्यूमंस खुद करते हैं, जो फैक्ट्रीज के थ्रू, फ्ल्यूज के थ्रू, ठीक है, ये और स्मोक्स के थ्रू, ये सब ह्यूमंस करते हैं, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो करता है एयर पॉल्यूशन. और जिस नुकसान किसको पहुंचता है, खुद ह्यूमंस को भी, प्लस एनिमल्स और प्लांट्स को भी. ठीक, फिर ऐसे हम आगे बढ़ते हैं. इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज, मतलब वहां से निकलने वाली फैक्ट्रीज से जो भी डस्ट हुआ या स्मोक्स, जैसे इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज एमिट्स अ हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, स्मोक्स, फ्यूम्स, केमिकल्स इनटू द एयर. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आल्सो रिलीज लॉट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू द एयर. ठीक है, ये सब क्या करते हैं, बहुत सारा मात्रा में, ठीक है, का एयर में ऐसी चीज़ें, केमिकल छोड़ते हैं, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत एक्सेस लेवल में बढ़ जाता है. नेक्स्ट, बर्निंग फॉसिल फ्यूल. ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम अ नेसेसरी इविल फॉर अस. ठीक है, सबसे बड़ा इविल जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट से. कार, ट्रक्स, मोटर साइकिल्स बर्न्स लॉट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल टू वर्क एंड रिलीज अ पॉल्यूटेंट्स. फ्यूम्स फ्रॉम द ऑटो व्हीकल्स कंटेन डेंजरस गैसेस सच एज द कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड द पार्टिकुलेट्स. दीज गैस कॉज द हार्म टू द ह्यूमंस हु ब्रीथ दैम. ठीक है, आपने देखा होगा जब भी 5 मिनट अगर आपका कहीं ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई या रुक गई, तो वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स, पास में कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी होती है, इतना ज़्यादा स्मोक निकलता है और एयर उस समय इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है कि वहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा देर आप सांस लेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे. ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा एयर पॉल्यूशन. जैसे और नेक्स्ट इज हाउस होल्ड एंड द फार्मिंग केमिकल्स. हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंटिंग सप्लाई, स्प्रे इन इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड ऑफ द क्रॉप, फर्टिलाइजर, डस्ट इमिट्स हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर कॉसेस पॉल्यूशन. जब भी फील्ड्स वगैरह में कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं ना, तो काफ़ी दूर एरिया तक उसकी स्मेल अजीब तरह की उड़ती है. वो क्या है, आप ये देखो, जो दवाई डाल रहा होगा ना, वो भी पूरे अपने फेस को अच्छे से कपड़े की मतलब मदद से लपेट लेता है, फिर डालता है. मतलब उससे इतनी हार्मफुल गैसेस उड़ती हैं, रिलीज होती हैं, जिससे वो खुद भी बीमार पड़ सकता है. ठीक है, तो लेकिन जो आसपास से निकल रहे हैं, वो उन्होंने तो कुछ कवरेज नहीं किया ना, तो वो तो शिकार हुए. तो ये सब क्या है, एयर पॉल्यूशन. ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स ही बहुत सारे, जैसे एसिड रेन विच डिस्ट्रॉय द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड द किल्स एनिमल, फिश, अदर वाइल्ड लाइफ. जब एसिड रेन होता है, फर्स्ट रेन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारी प्लांट्स की जैसे पत्तियाँ हो गई और एनिमल्स हो गए, फिश हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, हर डिजीज़ बहुत सारी होती है, यूजली कॉज बाय द एयर पॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन दिल्ली आर द प्रेजेंटली सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया एंड अस्थमा ड्यू टू द हैवी एयर पॉल्यूशन. दिल्ली का ही क्यों लिया एग्जाम्पल, कहीं और का भी ले सकते थे ना, एक रीज़न है.
अक्सर आपने देखो हरियाणा साइड में क्या होता है, अक्सर एक टाइम होता है ना कि सर्दियों से पहले कुछ वो लोग आसपास की घास ये सब इतना ज़्यादा जलाते हैं कि उसका जो स्मोक होता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उत्तर प्रदेश तक भी आता है, लेकिन दिल्ली क्योंकि पास पड़ता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट वहाँ के छोटे छोटे बच्चों, प्लस पॉल्यूशन वहाँ पहले से इतना है, ऊपर से वो भी ऐड हो जाता है, तो एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होने के कारण हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ना कैंसर हो रखा है, और ये सब किसका कॉज है, एयर पॉल्यूशन का, और प्लस उनको अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो लोग, और निमोनिया ये सब बहुत ज़्यादा होता है। इसके हम लोग सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं, यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडॉप्ट द कार पूलिंग, ठीक है, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हमेशा ये नहीं कि कहीं जाना है मोटरसाइकिल निकाली कार निकाली, ये सब और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ाता है, अवॉइड करना चाहिए। कंजर्व एनर्जी, स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब आप कमरे से बाहर जा रहे हैं फैन का स्विच ऑफ, लाइट्स से ऑफ कर दे, जो कि एयर पॉल्यूशन का एक और कारण होता है। यूज़ क्लीन एनर्जी लाइक सोलर विंड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, क्लीन मतलब इस तरह की जो नेचुरल एनर्जी उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ऐसे सोलर एनर्जी होगी विंड इन सब का यूज़ करना चाहिए, क्या करते हैं आपके एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन, रिसाइकल द रीयूज थिंग्स, यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, हार्मफुल गैसेस आपने देखा होगा बहुत सी निकलती हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे हम लोग पानी को, गंदे पानी को ट्रीट करके यूजेबल बना लेते हैं ना, वैसे ही जो गैसें निकलते हैं उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको इस तरीके का ट्रीट करके बनाया जा सकता है कि वो अगर एनवायरमेंट में मिक्स होती है तो नॉर्मल लेवल में मिक्स होती है, उनकी हार्मफुल गैसेस डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो क्लीन बहुत ज़्यादा नहीं बट काफ़ी हद तक क्लीन एयर के थ्रू पे होती है, रिलीज होती है। सो थैंक यू, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो कल सेम टाइम, ओके बाय, गुड नाइट।